Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope everyone is doing great. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर पर ही अपने वैक्स किस तरह से कर सकते हैं. उसके लिए जो हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने वैक्स हीटर में ऑलरेडी वैक्स है जो वो वार्म करके रखी हुई है. कुछ वैक्स स्ट्रिप्स चाहिए हमें, स्पैचुलास चाहिए. एंड बिफोर वैक्स स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपकी स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम ना लगाई हो. और वैक्स अप्लाई करने से पहले आपको, अगर गर्मी है तो आप थोड़ा पाउडर अप्लाई करें. मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं थी तो मैं जस्ट डायरेक्ट, मेरी स्किन भी क्लीन है तो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई वैक्स. तो अभी वैक्स इस तरीके से, जो फ्रंट आर्म है मैं आपको दिखा रही हूँ, हमें पहले कुछ इस तरीके से वैक्स की जो लेयर है उसे लगाना है. थोड़ी सी ही वैक्स हमें स्पैचुला में लेनी है और उसके बाद फॉलो करना है आपको जिस वे में आपने वैक्स लगाई है. ऑलवेज उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें जो वैक्स स्ट्रिप है उसे पुल करना है. दिस वे तो आपकी जिस तरह भी हेयर डायरेक्शन जा रही है, आपको वैक्स को, स्ट्रिप को उस तरफ से ऑपोजिट वे में पुल करना है. तो अभी नीचे की साइड मेरी हेयर ग्रोथ है तो मैं उसको स्ट्रेट ऊपर पुल करूँगी, साइड में है तो वैक्स स्ट्रिप को उस तरीके से पुल करूँगी. तो जब आप इस तरीके से वैक्स करते हैं, मेक श्योर आपकी जो आर्म है, आपकी जो हैंड है वो एकदम स्ट्रेच हो और स्ट्रेट हो. अगर आपकी स्किन लूज होगी तो चांसेस है कि आपको ब्रोसेस हो सकते हैं, बाद में मार्क्स पड़ सकते हैं या किसी भी तरह की स्किन जो है वो उस पर आपको रिएक्शन हो सकता है. अब ये जो उसका बैक साइड है, इसको मैंने आर्म को फोल्ड कर लिया है. आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैं उसको वहाँ पर, हमारे नॉर्मली जो बाल हैं वो हेयर ग्रोथ नीचे की साइड होती है, तो जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है. तो आप जो है बैक साइड यहाँ पे स्ट्रेप, जो स्ट्रिप है, सॉरी स्ट्रेप, स्ट्रिप को ऊपर की साइड ऐसे आपको पुल करना है. तो बेटर होगा कि आप पहले जस्ट कहीं पे थोड़ा सा ट्राई करें. डायरेक्ट अगर आपने कभी भी नहीं किया है तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ट्राई ना करें. थोड़े से पार्ट में अगर आप ट्राई करके देखें, आप कंफर्टेबल हैं तो ही उसे आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं. लेकिन सडनली जस्ट आप एकदम से अपने आर्म्स पे पूरे वैक्स ना लगाएं जिस तरीके से मैंने लगाई है. थोड़ा सा अपने हैंड पे या कहीं पे भी आप पहले ट्राई कर सकते हैं. अगर आप कंफर्टेबल हैं देन आप थोड़ा थोड़ा उसे करके इस तरीके से वैक्स आप कैरी ऑन कर सकते हैं. अभी ये जो हमारी ये साइड है, यहाँ पे मैंने आपके सामने जैसे वैक्स लगाई है नीचे की ओर, एंड देन अगेन जो स्ट्रिप है उसको ऊपर की साइड पुल करना है. तो बेसिकली हमारी हेयर ग्रोथ जो होती है, हमें उस तरफ वैक्स को अप्लाई करना है एंड देन जब पुल करना है तो ऑलवेज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में. अभी ये जो मैं कर रही हूँ, ये जस्ट कहीं कहीं वैक्स करने के बाद हमारा थोड़ी थोड़ी वैक्स अगर हमें लगता है कहीं रह गई है तो इस तरीके से वो स्टिकीनेस जो है, आप इस तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा वही सेम स्ट्रिप को लगाएंगे तो वो क्लीन हो जाता है. और जो भी वैक्स इधर उधर कहीं लगी हो या कुछ स्टिकी हो तो वो क्लीन हो जाता है. आप कई लोग हैंड्स पे करते हैं, कई नहीं करते हैं, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ. कई बार फाइन हेयर्स होते हैं हाथ पे, और वैसे भी वैक्स करने से क्या होता है, हमारे जो है डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. स्किन बहुत क्लीन हो जाती है वैक्स करने के बाद. हेयर ग्रोथ जो है, हेयर रिमूव तो होते ही हैं लेकिन हमारी स्किन जो है वो भी बहुत क्लीन हो जाती है आफ्टर वैक्स. तो इस तरीके से अगर आप हैंड पे करते हैं तो वहाँ भी इसी तरीके से आपको अप्लाई करके आपको करना है. और जब अगर आप फिंगर्स पे भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप कोई स्ट्रिप थोड़ी छोटी ले लें. मैंने यहाँ पे नहीं किया बिकॉज़ आई एम यूज्ड टू यही स्ट्रिप जो है वैक्स स्ट्रिप, इसकी छोटी सी आप स्ट्रिप कट कर लें और उसको स्मॉल पोर्शंस में लगाने, जिस तरीके से मैं अभी वैक्स अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट छोटी सी स्ट्रिप को आप लगाएं और उसे इस तरीके से पुल करें. मैंने यहाँ पे कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आप अच्छे से देख सकें कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ. और जब भी वैक्स स्टार्ट करें, मेक श्योर आप जिस तरीके से, यहाँ पे मैंने टॉवल रखा ताकि कोई उसके वैक्स के जो है वो ना ड्रॉप हो. तो आप अपने जब आर्म पे भी वैक्स करें तो आपके कुछ ना कुछ टॉवल या कुछ समथिंग लाइक दैट कुछ रखें. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जब मुझे लगा कि प्रॉपर वैक्स मेरे आर्म्स यहाँ हो गए तो देन आई एम गोइंग टू अप्लाई सम आफ्टर वैक्स ऑयल. आप चाहें तो बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. देन मैं यहाँ पे, अगर आपको जो अभी मैंने हाफ आर्म की थी, अगर आपको फुल करनी है तो आप इस तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं. यहाँ भी हमें कुछ इस तरीके से ही करना है, नीचे की ओर लगा के उसे आपको ऊपर की ओर पुल करना है. जो हमारा एल्बो है वहाँ पे आप एल्बो को फोल्ड करके भी स्ट्रिप को जो है
पुल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप अपनी ऑपोजिट साइड में लगाने के बाद उसे पुल करें। तो यहाँ फ्रंट पे आप इजीली कर सकते हैं जब इवन के जो आपका अपर पार्ट है, लेकिन जब आपको बैक में करना है देन अगेन आपको अपनी आर्म जो है ऊपर की ओर पुल करनी होगी और सामने एक मिरर रख लें, जिस तरीके से अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने सामने मिरर रखा है और मैंने अभी वैक्स जो है वो डजेंट मैटर आप नीचे की डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में लगाएं, जैसे भी आपको इजी लगता है, लेकिन जब स्ट्रिप पुल करनी है तो वो कुछ इस तरीके से पुल करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अभी मैं यहाँ पे एल्बो को कवर कर रही हूँ। स्ट्रिप जो हमारी ऑलमोस्ट मैंने एक ही स्ट्रिप यूज़ कर रही हूँ, तो ये अगर आपको लगता है ज़्यादा हो गई है थिक तो आप उसको इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके जो हमारी बाकी की क्लीन स्ट्रिप है उसको यूज़ की। वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। एनी सजेशन जस्ट लीव योर कमेंट्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।